एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मैं नीना आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिससे पीने से आप अपने शरीर में नसों में आई हुई जितनी भी ब्लॉकेज हैं, सर्वाइकल पेन या शरीर में भारीपन सा महसूस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाने वाली हैं सिर्फ इस रेमेडी के इस्तेमाल से 100% गारंटी के साथ। अगर आप इस रेमेडी को 3 दिन भी लेते हो तो 3 दिन में ही आपको इसके चमत्कारी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस रेमेडी को बनाना बहुत आसान है। घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम इस रेमेडी को तैयार करने वाले हैं जो कि हर किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम अपने शरीर को चुस्त फुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। रेमेडी काफ़ी आसान है, चलिए देखते हैं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, आइए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमने ली है ये बड़ी इलायची जिसे हम अक्सर मसालों में इस्तेमाल करते हैं। एक हरी इलायची होती है जिसे हम ग्रीन कार्डमम बोलते हैं और ये बड़ी इलायची होती है जिसे हम ब्लैक कार्डमम बोलते हैं। तो यही वाली हमें इलायची लेनी है। तो एक इलायची हमने ये ले ली है, साथ में हमने ले लिए हैं ये 2 लौंग, हमने साथ में ली है ये दालचीनी। पर दालचीनी का मेरे पास यहाँ बड़ा टुकड़ा है, इसीलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस टुकड़े के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें कितनी बड़ी दालचीनी लेनी है। तो वो हमें लेना है, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, सिर्फ इतना सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा अगर हम लेंगे तो कब्ज़ की समस्या हो सकती है, तो इसीलिए हमें सिर्फ इतना टुकड़ा लेना है। तो ये जो हम चीज़ें ले रहे हैं ना, ये 1 टाइम रेमेडी के लिए हैं, यानी एक टाइम अगर हम रेमेडी बना रहे हैं ना तो उसके लिए हमें सिर्फ ये चीज़ें लेनी है। फिर मैंने फ्लेम ऑन की है और यहाँ पर रखती है एक पतीली और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। ये जो बड़ी इलायची है इसको मैंने कूट लिया है। कूटने के बाद आप देख सकते हैं इसके जो दाने हैं वो इस तरह से निकल आए हैं और छिलका इसका अलग हो गया है। मैं इसे ऐसे ही साथ में पानी में डाल देती हूँ क्योंकि छिलका तो बाद में छन के आ जाएगा बाहर, तो बस इसे ऐसे ही डाल दिया है पानी में। और नेक्स्ट मैंने ये जो 2 लौंग लिए हैं इन्हें डाल दिया है, साथ में ये दालचीनी का टुकड़ा। तो चलो अब हम इसे ना उबाल लेते हैं। उबाल उबाल करके जब ये आधा रह जाएगा तब ये हमारी रेमेडी बनके तैयार होगी। उस अभी देखिए उबल उबल करके ये आधा हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। इस तरह से हमारा ये जो काढ़ा है ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसे गर्म गर्म भी पी सकते हैं और अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसे हल्का गुनगुना पिएं और आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं या रात को सोने से पहले ले सकते हैं, यानी कि खाना खाए हुए आपको 1/2 घंटा या 1 घंटा के आसपास हो जाए उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। आप इसे अगर लगातार लेते हैं तो 3 दिन में ही आपको अपने शरीर में हल्का फुल्का चुस्त तंदुरुस्त महसूस होने लगेगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।